गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड का जो ह्यूमन बॉडी थी उस क्लास थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है और सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। कितने सेंस ऑर्गन थे हमारे, होते हैं 5, जिसमें से हम एक के बारे में पढ़ चुके हैं, आइज। आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता, हमारी जो आइज लेसेस होते हैं और आइज लिड होते हैं, मीन्स पलकें और पलकों के जो बाल हैं वो हमारी आँखों में अंदर डस्ट जाने से बचाते हैं, ठीक है। और जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं वो क्या होता है, देख नहीं पाते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा क्या है हमारे सेंस ऑर्गन के पार्ट, उसके बारे में जानते हैं। सेकेंड पार्ट है ईयर। फर्स्ट क्या था, आइज, अब सेकेंड क्या है, ईयर्स। ईयर्स सब जानते हैं ना, कान, जिनसे हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या है। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड, हियर मीन सुनना। क्या करते हैं हमारे जो ईयर्स हैं, कान हैं, वो मदद करते हैं साउंड को सुनने में, आवाज़ें सुनने में। वी कैन ऑल्सो जज द डायरेक्शन ऑफ साउंड विद देयर हेल्प। क्या करते हैं, जैसे कहाँ से किधर से आवाज़ आई है, डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, किस दिशा से आवाज़ आई है, इसका जजमेंट करते मीन्स पहचानते हैं कि क्या, कि आवाज़ कहाँ से आई है, कौन पहचानता है, ईयर। ईयर के थ्रू ही हमें पता चलता है। एंड डीप पीपल कैन नॉट हियर, डीप मीन्स जो बहरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं सुन सकते हैं। तो ईयर, ईयर का हमने देखा, ईयर का नॉर्मली क्या है कि आवाज़ को सुनना, कि कहाँ से साउंड आ रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। और आगे का जो पार्ट है वो हमारा क्या है, नोज़। थर्ड पार्ट क्या है सेंस ऑर्गन का, नोज़। तो चलो नोज़ क्या होती है हमारी, नाक। नाक का क्या काम है, नॉर्मली क्या होता है, स्मेल को सूंघना कि अच्छी है स्मेल या गंदी है स्मेल, और ब्रीथ, सांस लेने का भी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आवर नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल, ब्रीथ सांस लेना और स्मेल में सूंघने, जो हमारी नोज़ है वो मदद करती है सूंघने में और सांस लेने में। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड फाउल स्मेल, मीन्स अच्छी और गंदी जो स्मेल होती है उसके बीच में अंतर बताती है हमें कौन, नोज। वैन वी हैव अ कोल्ड, जब हमें क्या होता है, जुखाम होता है, आवर नोज लूजेस द एबिलिटी टू स्मेल। एबिलिटी मीन्स योग्यता है, क्या करता है ये, कम हो जाती है, लूजेज मीन्स खो देना, ठीक है, कम हो जाती है क्या एबिलिटी, किसकी, स्मेल की, मीन्स सूंघने की शक्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कि स्मेल आ भी रही है या नहीं भी आ रही है, ठीक है। आगे का जो पार्ट है हमारा सेंस ऑर्गन का, एक दो और बचे हैं आपके, टंग और स्किन, ये आप पढ़कर रखोगे। टंग का क्या वर्क होता है और स्किन का क्या होता है, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम आगे का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आपकी वर्ड मीनिंग है, देखो बेटा अभी मैं वर्ड मीनिंग आपको चैप्टर में से बता रही हूँ जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, इन वर्ड मीनिंग को अपनी इसी बुक में लिखना है। जैसे आपका क्या है, ब्रीथ, स्मेल और नोज तो सबको पता है, डीप, जज, डायरेक्शन, साउंड, हियर और टीयर, यहाँ पे आंसू, प्रिवेंट, और ये आइज लेसेस, और यहाँ आइज लिड, ये हो गया, और ये तो आप ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये और ये वर्ड मीनिंग आप अपनी इसी बुक में हिंदी में लिखोगे कि इसका मीनिंग क्या है। और बाकी जैसे ईयर के बारे में और नोज़ के बारे में हमने पढ़ा है, तो अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, और उसके बाद आपको करना है इसमें से जो मैच द फॉलोइंग है ना, उसमें से आपको करना है किसका, नोज़ का और ईयर का, ठीक है। अब आप मैच आसानी से कर सकते हो तो आप ये भी मैच करोगे। और तीसरा जो काम है वो आपका ये है कि ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर का, हाउ डू योर ईयर्स हेल्प अस, हमारी जो ईयर्स है वो कैसे हेल्प करते हैं, तो सुनने में करते हैं ना, तो ये आप क्वेश्चन भी इसी बुक में करेंगे। और आज हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है, और जब नेक्स्ट लाइव क्लास होगी तो उसमें आपको अगर जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी डिफ़िकल्ट वर्ड या फिर कॉपी में लिख कर रखना कि जब क्लास हो तो मैं मैम से ये पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर।